आप सुन रहे हैं रजिंदर सिंह बेदी का अफसाना गर्म कोट। मैंने देखा है मिराजदीन टेलर मास्टर की दुकान पर बहुत से उम्दा सूट अवेजा होते हैं। उन्हें देखकर अक्सर मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है कि मेरा अपना गर्म कोट बिल्कुल फट गया है और इस साल हाथ तंग होने के बावजूद मुझे एक नया गर्म कोट ज़रूर सिलवा लेना चाहिए। टेलर मास्टर की दुकान के सामने से गुजरने या अपने महकमे की तफरी क्लब में जाने से गुरेज करूं तो मुमकिन है मुझे गर्म कोट का ख्याल भी ना आए, क्योंकि जब मैं संता सिंह और यजदानी के कोटों के नफीस वोस्टेड मेरे समंदर तहैल पे ताजियाना लगाते हैं तो मैं अपने कोट की बोसीदगी को शदीद तौर पर महसूस करने लगता हूँ, यानी वो पहले से कहीं ज़्यादा फटा हुआ मुझे लगता है। बीवी बच्चों को पेट भर रोटी खिलाने के लिए मुझसे मामूली क्लर्क को अपनी बहुत सी ज़रूरियात तर्क करना पड़ती हैं और उन्हें जिगर तक पहुँचती हुई सर्दी से बचाने के लिए खुद मोटा पुरानी किसी की उतरन वाला कोट पहनना पड़ता है। ये गर्म कोट मैंने पार साल दिल्ली दरवाजे से बाहर पुरानी कोटों की एक दुकान से ख़रीदा था। कोटों के सौदागर ने पुरानी कोटों की सैकड़ों गांठें किसी मरांजा एंड कंपनी कराची से मंगवाई थी। मेरे कोट में नकली सिलक के अस्तर से बनी हुई अंदरूनी जेब के अंदर मरांजा एंड कंपनी का लेबल लगा हुआ था, मगर कोट मुझे मिला बहुत सस्ता। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, और मेरा कोट हमेशा ही फटा रहता था। उसी दिसंबर की एक शाम को तफरी क्लब से वापस आते हुए मैं इरादतन अनारकली में से गुजरा। उस वक्त मेरी जेब में 10 रुपये का नोट था। आटा, दाल, ईंधन, बिजली, बीमा कंपनी के बिल चुका देने के पास मेरे पास वही 10 का नोट बचा था। जेब में दाम हो तो अनारकली में से गुजरना मायूब नहीं। उस वक्त अपने आप पर गुस्सा भी नहीं आता, बल्कि अपनी ज़ात कुछ भली मालूम होती है। उस वक्त अनारकली में चारों तरफ सूट ही सूट नज़र आ रहे थे और साड़ियाँ। चंद साल से हर नथु खैरा सूट पहनने लगा है। मैंने सुना है गुज़श्ता चंद साल में कई टन सोना हमारे मुल्क से बाहर चला गया। शायद इसीलिए लोग जिस्मानी ज़ेबाइश का ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं, वरना जो लोग सचमुच अमीर हैं ऐसी शान व शौकत और ज़ाहरी तकल्लुफात की चंदा परवाह नहीं करते। कपड़े की दुकान में वॉल स्ट्रीट के थानों के थान खुले पड़े थे। उन्हें देखते हुए मैंने कहा, क्या मैं इस महीने के बचे हुए 10 रुपये में से कोट का कपड़ा खरीद कर बीवी बच्चों को भूखा मार दूं? लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरे दिल में नए कोट के नापाक ख्याल का रद्द अमल शुरू हुआ। मैं अपने पुराने गर्म कोट का बटन पकड़कर उसे बिल देने लगा। चूंकि तेज़ तेज़ चलने से मेरे जिस्म में हरारत आ गई थी, इसीलिए मौसम की सर्दी और इस किस्म के खारजी असरात मेरे कोट खरीदने के इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने से कासर रहे। मुझे तो उस वक्त अपना वो कोट भी सरासर तकल्लुफ नज़र आने लगा। ऐसा क्यों हुआ, मैंने कहा, जो शख्स हकीकतन अमीर हों वो ज़ाहरी शान की चंदा फिक्र नहीं करते। जो लोग सचमुच अमीर हों उन्हें तो फटा हुआ कोट बल्कि कमीज भी तकल्लुफ में दाखिल समझनी चाहिए। तो क्या मैं सचमुच अमीर था? मैंने घबराकर जाती तजुर्बा छोड़ दिया और बमुश्किल 10 का नोट सही सलामत लिए घर पहुंचा। शमी मेरी बीवी मेरी मुंतजर थी। आटा गूंथते हुए उसने आग फूंकनी शुरू कर दी। कमबख्त मंगल सिंह ने इस दफा लकड़ियां गीली भेजी थीं। आग जलने का नाम ही नहीं लेती थी। ज़्यादा फूंके मारने से गीली लकड़ियों में और भी धुआं उठा। शमी की आंखें लाल अंगारा हो गईं, इनसे पानी बहने लगा। कमबख्त कहीं का मंगल सिंह, मैंने कहा। मैं उनकी आंखों के लिए मंगल सिंह तो क्या तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाता। बहुत तगोदो के बाद लकड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चटकने लगीं। आखिर उन पुरनम आंखों के पानी ने मेरे गुस्से की आग बुझा दी। शम्मी ने मेरे शाने पर सर रखा और मेरे फटे हुए गर्म कोट में पतली पतली उंगलियां दाखिल करती हुई बोली, अब तो ये बिल्कुल काम का नहीं रहा। मैंने धीमी आवाज से में कहा, हाँ सीधो यहां से सीधो, अगर कोई आद तार निकाल कर रफू कर दो तो क्या कहने। कोट को उलटाते हुए शमी बोली, असर को तो मोटी टिड्डियां चाट रही हैं, नकली रेशम का है ना, ये देखिए। मैंने शमी से अपना कोट छीन लिया और कहा, मशीन के पास बैठने की बजाय तुम मेरे पास बैठो शमी। देखती नहीं, दफ्तर से आ रहा हूं, ये काम तुम उस वक्त कर लेना जब मैं सो जाऊं। शमी मुस्कुराने लगी। वो शमी की मुस्कुराहट
और मेरा फटा हुआ कोट। शमी ने कोट को खुद की एक तरफ रख दिया। बोली, मैं खुद भी इस कोट की मुरम्मत करते करते थक गई हूँ। इसे मुरम्मत करने में इस गीले ईंधन को जलाने की तरह जान मारनी पड़ती है। आंखें दुखने लगती हैं। आखिर आप अपने कोट के लिए कपड़ा क्यों नहीं खरीदते? मैं कुछ देर सोचता रहा। यूं तो मैं अपने कोट के लिए कपड़ा खरीदना गुनाह ख्याल करता था, मगर शमी की आंखें, उन आंखों को तकलीफ से बचाने के लिए मैं मंगल सिंह तो क्या तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊं, वॉल स्ट्रीट के थानों के थान खरीद लूं। नए गर्म कोट के लिए कपड़ा खरीदने का ख्याल दिल में पैदा ही हुआ था कि पुष्पामणि भागती हुई कहीं से आ गई। आते ही बरामदे में नाचने और गाने लगी। उसकी हरकत कथकली मद्रा से ज़्यादा कैफंगेज थी। मुझे देखते ही पुष्पामणि ने अपना नाच और गाना ख़त्म कर दिया और बोली, बाबूजी आप आ गए। आज बड़ी उस्तानी ने कहा था मेज़पोश के लिए दो सूती लाना और गर्म कपड़े पर काट सिखाई जाएगी, गनिया माप के लिए और गर्म कपड़ा। चूंकि इस वक्त मेरे गर्म कोट खरीदने की बात हो रही थी, शमी ने जोर से एक चप्त उसके मुंह पर लगाई और बोली, इस जन्मजली को हर वक्त कुछ ना कुछ खरीदना ही होता है, मुश्किल से इन्हें कोट सिलवाने पर राजी कर रही हूं। वो पुष्पामणि का रोना और मेरा नया कोट। मैंने खिलाफ आदत ऊंची आवाज से कहा, शमी। शमी कांप गई। मैंने गुस्से से आंखें लाल करते हुए कहा, मेरे इस कोट की मुरम्मत कर दो, अभी किसी तरह करो। ऐसे जैसे रो पीट कर मंगल सिंह की गीली लकड़ियां जला लेती हो तुम्हारी आंखें। हाँ याद आया, देखो तो पुष्पामणि कैसे रो रही है। पोपी बेटा इधर आओ ना, इधर आओ ना मेरी बच्ची। क्या कहा था तुमने, बोलो तो। दो सूती, गनिया माप के लिए और काट सीखने के लिए गर्म कपड़ा। बच्चू नन्ना भी तो ट्राईसाइकिल का राग अलापता और गुब्बारे के लिए मचलता सो गया होगा। उसे गुब्बारा ना ले दूंगी तो मेरा कोट सिल जाएगा है। कितना रोया होगा बेचारा। शमी कहाँ है बच्चू? जी सो रहा है, शमी ने सहमे हुए लहजे में कहा। अगर मेरे गर्म कोट के लिए तुम इन मासूमों से ऐसा सलूक करोगी तो मुझे तुम्हारी आंखों की परवाह क्या होगी। फिर मैंने दिल में कहा, क्या ये सब कुछ मेरे गर्म कोट के लिए हो रहा है? शमी सच्ची है या मैं सच्चा हूँ? पहले मैंने कहा, दोनों। मगर जो सच्चा होता है उसका हाथ हमेशा ऊपर होता है, मैंने खुद ही दबते हुए कहा। तुम खुद भी तो इस दिन काफूरी रंग के मीनाकारी कांटों के लिए कह रही थी। हाँ जी कह तो रही थी, मगर इस वक्त मुझे अपने गर्म कोट की जेब में 10 रुपए का नोट एक बड़ा खजाना मालूम हो रहा था। दूसरे दिन शमी ने मेरा कोट कोहनियों से रफू कर दिया था। एक जगह पर से कपड़ा बिल्कुल उड़ गया। सफाई और एहतियात से काम लेने के बावजूद सलाई बदनुमा सिलवटें पड़ने लगीं। इस वक्त मिराजदीन टेलर मास्टर की दुकान मेरे जहन में घूमने लगी और ये मेरे तहैयल की पुख्ताकारी थी। मेरे तहैयल की पुख्ताकारी अक्सर मुझे मुसीबत में डाले रखती है। मैंने दिल में कहा, मिराजदीन की दुकान पर ऐसे सूट भी तो होते हैं जिन पर सलाई समेत 100 रुपये से भी ज़्यादा लागत आती है। मैं एक मामूली क्लर्क हूँ, इसकी दुकान में लटके हुए सूटों का तस्वुर करना अब्स है, अब्स। मुझे फारग पाकर शमी मेरे पास आकर बैठी और हम दोनों खरीदी जाने वाली चीज़ों की फहरिस्त बनाने लगे। जब माँ बाप इकट्ठे होते हैं तो बच्चे भी आ जाते हैं। पुष्पामणि और बच्चू आ गए आंधी और बारिश की तरह शोर मचाते हुए। मैंने शमी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि यूं ही काफूरी रंग के मीनाकार कांटे सबसे पहले लिखे। अचानक रसोई की तरफ से मेरी नज़र उठी। चूल्हे में लकड़ियां धड़ धड़ जल रही थीं और उधर शमी की आंखें भी दो चमकते हुए सितारों की तरह रोशन थीं। मालूम हुआ कि मंगल सिंह गीली लकड़ियां वापस ले गया है। वह शहतूत के डंडे जल रहे थे। शमी ने कहा, और ओपले? जी हाँ ओपले भी। मंगल सिंह देवता है, शायद मैं भी अनकरीब गर्म कोट के लिए अच्छा वॉस्ट्रिट खरीद लूँ ताकि तुम्हारी आंखें यूं ही चमकती रहें, उन्हें तकलीफ ना हो। इस माँ की तनहा में तो गुंजाइश नहीं, अगले माँ जरूर जरूर। जी हाँ जब सर्दी गुजर जाएगी। पुष्पामणि ने कई चीज़ें लिखाई, दो सूती, गनिया माप के लिए गर्म ब्लेजर, सब्ज रंग का एक गज मरब्बा, DMC के गोले, गोटे की मगजी और अमरतियाँ और बहुत से गुलाब जामुन। मोई ने सब कुछ ही तो लिखवा दिया। मुझे दायमी कब्ज थी। मैं चाहता था कि यूनानी दवाखाने से अतरफिल जमानी का एक डिब्बा भी ला रखूँ।
दूध के साथ थोड़ा सा खाकर सो जाया करूं। मगर मोई पशपा ने इसके लिए गुंजाइश ही कहां रखी थी। और जब पशपा मनी ने कहा गुलाब जामुन, तो उसके मुंह में पानी भर आया। मैंने कहा सबसे जरूरी चीज तो यही है, शहर से वापस आने पर मैं गुलाब जामुन वहां छुपा दूंगा जहां सीढ़ियों में बाहर जमादार अपना दूध का कलसा रख दिया करता है, और पुष्पा से कहूंगा मैं तो लाना भूल ही गया तुम्हारे लिए गुलाब जामुन। ओहो, फिर मैंने सोचा बच्चू भी तो सुबह से गुब्बारे और ट्राईसाइकिल के लिए जिद कर रहा था। मैंने एक मर्तबा अपने आप से सवाल किया, अतरफिल जमानी? वो दोनों इसी तरह आपस में एक दूसरे से उलझते रहे और अपनी चीजें मंगवाने की जिद करते रहे। इसी बात पे मैंने शमी की आंखों की कसम खाई कि जब तक ट्राईसाइकिल के लिए 6-7 रुपए जेब में ना हो, मैं नीले गुंबद के बाजार से नहीं गुजरूंगा। इसलिए कि दाम ना होने की सूरत में नीले गुंबद के बाजार से गुजरना बहुत मायूब है। हाँ हाँ, अपने आप पर गुस्सा आएगा, अपनी जात से नफरत पैदा होगी। इस वक्त शमी दीवारी आईने के बेजवी टुकड़े के सामने अपने काफूरी सफेद सूट में खड़ी थी। मैं चुपके से उससे पीछे जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं बताऊं तुम इस वक्त क्या सोच रही हो? बताओ तो जानू, तुम कह रही हो काफूरी सफेद सूट के साथ वो काफूरी रंग के मीनाकारी कांटे पहनकर जैलदार की बीवी के हां जाऊं तो धंग रह जाए। नहीं तो, शमी ने हंसते हुए कहा, आप मेरी आंखों के मदा होते तो कभी का गरम। मैंने शमी के मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी तमाम खुशी बेबसी में बदल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, बस इधर देखो, अगले महीने जरूर खरीद लूंगा। फिर मैं अपनी इस हसीन दुनिया को, जिसकी तहलीक पर महज 10 रुपए सर्फ होते थे, तसव्वुर में बसाए बाजार चला गया। मेरे सिवा अनारकली से गुजरने वाली हर जी इज्जत आदमी ने गर्म सूट पहन रखा था। लाहौर के एक लहीम शहीम जेंटलमैन की गर्दन नेकटाई और मकल्लफ कॉलर के सबब मेरे छोटे भाई के पालतू कुत्ते टाइगर की गर्दन की तरह अकड़ी हुई थी। मैंने उन सूटों की तरफ देखते हुए कहा, लोग सचमुच बहुत मुफलिस हो गए हैं। इस महीने नामालूम कितना सोना चांदी हमारे मुल्क से बाहर चला गया। कांटों की दुकान पर मैंने कई जोड़ियां कांटे देखे। अपने तहैयल की पुख्ताकारी से मैं शमी की काफूरी सफ़ेद सूट में मलबूस जहनी तस्वीर को कांटे पहनाकर पसंद या नापसंद कर लेता। काफूरी सफ़ेद सूट, काफूरी मीनाकारी कांटे, कसरत इकसाम के बायस मैं एक भी मुंतहिब ना कर सका। इस वक्त बाजार में मुझे यजदानी मिल गया। आज उसके चेहरे पर अगर सुर्खी और बशाशत की लहरें दिखाई देती थीं तो कुछ ताज्जुब की बात ना थी। मैं एक हाथ से अपनी जेब के सिलवटों को छुपाने लगा। निचली बाएं जेब पर 1 रुपए के बराबर कोट से मिलते हुए रंग का पैवंद बहुत ही नामौजू दिखाई दे रहा था। मैं उसे भी अपने हाथ से छुपाता रहा। फिर मैंने दिल ही दिल में कहा, क्या आजब यजदानी ने मेरे शाने पर हाथ रखने से पहले मेरी जेब की सिलवटें और वो रुपए के बराबर कोट के रंग का पैवंद देख लिया हो। इसका भी रद्दअमल शुरू हुआ और मैंने दलेरी से कहा, मुझे क्या परवाह है, यजदानी मुझे कौन सी थैली बख्श देगा। और इसमें बात ही क्या है, यजदानी और संता सिंह ने बारहा मुझसे कहा था वो रिफ्फते जहनी की ज़्यादा परवाह करते हैं और वोस्ट्रीट की कम। मुझसे कोई पूछे मैं वोस्ट्रीट की ज़्यादा परवाह करता हूँ या रिफ्फते जहनी की कम। यजदानी रुखसत हुआ और जब तक वो नज़र से ओझल ना हुआ, मैं गौर से उसके कोट के नफीस वोस्ट्रीट को पुश की जानब से देखता रहा। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे पुष्पा मनी के गुलाब जामुन और अमरतियां खरीदनी चाहिए, कहीं वो वापसी पर सचमुच भूल ही ना जाऊं। मिठाई की दुकान पर खोलते हुए रोगन में कचूरियां खूब फूल रही थीं, मेरे मुंह में पानी भर आया। इसी तरह जैसे गुलाब जामुन के तखैल से पुष्पा मनी के मुंह में पानी भर आया था। कब्ज और अतरफिल जमानी के ख्याल के बावजूद मैं सफ़ेद पत्थर की मेज़ पर कोनियाँ टकाकर बहुत रगबत से कचूरियाँ खाने लगा। हाथ धोने के बाद जब पैसों के लिए जेब टटोली तो उसमें कुछ भी ना था, 10 का नोट कहीं गिर गया था। कोट की अंदरूनी जेब में एक बड़ा सुराख हो रहा था, नकली रेशम को टड्डियां चाट गई थीं। जेब में हाथ डालने पर उस जगह जहां मरांजा मराजा एंड कंपनी का लेबल लगा हुआ था, मेरा हाथ बाहर निकल आया। नोट वहीं से गिर गया होगा। एक लम्हे में यूं दिखाई देने लगा जैसे कोई भोली सी भेड़ अपनी खूबसूरत पशम उतर जाने पर दिखाई देने लगती है। हलवाई भांप गया, खुद ही बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, पैसे कल आ जाएंगे। मैं कुछ ना बोला, कुछ बोल ही ना सका। सिर्फ इजहार तशक्कुर के लिए मैंने हलवाई की तरफ देखा। हलवाई के पास ही गुलाब जामुन चाशनी में डूबे पड़े थे। रोगन में फूलती हुई कचूरियों के धुएं में से आतशी और सुर्ख अमरतियां जिगर पर दाग लगा रही थीं।
और जहन में पुष्पा मणि की धुंधली सी तस्वीर फिर गई। मैं वहां से बादामी बाग की तरफ चल दिया और आध पौन घंटे के करीब बादामी बाग की रेलवे लाइन के साथ साथ चलता रहा। इस अरसे में जंक्शन की तरफ से एक मालगाड़ी आई, उसके 5 मिनट बाद एक शंट करता हुआ इंजन जिसमें दहकते हुए सुर्ख कोयले लाइन पर गिर रहे थे। मगर इस वक्त करीब ही की साल्ट रिफाइनरी में से बहुत से मजदूर ओवरटाइम लगाकर वापस लौट रहे थे। मैं लाइन के साथ साथ दरिया के पुल की तरफ चल दिया। चांदनी रात में सर्दी के बावजूद कॉलेज के चंद मंचले नौजवान कश्ती चला रहे थे। कुदरत ने अजीब सजा दी है मुझे, मैंने कहा। पुष्पा मणि के लिए गोटे की मगजी, 2 सूती, गुलाब जामुन और शमी के लिए कफूरी मीनाकार कांटे ना खरीदने से भड़कर कोई गुना सरजत हो सकता है? किस बेरहमी और बेदर्दी से मेरी एक हसीन मगर बहुत सस्ती दुनिया बर्बाद कर दी गई है। जी तो चाहता है कि मैं भी कुदरत का एक शाहकार तोड़ फोड़ के रख दूं, मगर पानी में कश्ती रांग लड़का कह रहा था। इस मौसम में तो रावी का पानी घुटने घुटने से ज्यादा कहीं नहीं होता। सारा पानी तो ऊपर से ऊपर बारी दुआब ले लेती है और यूं भी आजकल पहाड़ों पर बर्फ नहीं पिघलती। दूसरे ने कहा। मैं नाचार घर की तरफ लौटा और नहायत बेदिली से जंजीर हलाई। मेरी ख्वाहिश और अंदाजे के मुताबिक पुष्पा मणि और बच्चू नन्ना बहुत देर हुई दहलीज से उठकर बिस्तरों में जा सोए थे। शमी चूल्हे के पास शहतूत के नीम जहाँ कोयलों को तापती हुई कई मरतबा ऊँगी और कई मरतबा चौंकी थी। वो मुझे खाली हाथ देखकर ठटक गई। उसके सामने मैंने चोर जेब के अंदर हाथ डाला और लेबल के नीचे से हाथ निकाल लिया। शमी सब कुछ समझ गई। वो कुछ ना बोली, कुछ बोल ही ना सकी। मैंने कोट खोंटी पर लटका दिया। मेरे पास ही दीवार का सहारा लेकर शमी बैठ गई और हम दोनों सोए हुए बच्चे और खोंटी पर लटकते हुए गर्म कोट को देखने लगे। अगर शमी ने मेरा इंतजार किए बगैर वो काफूरी सूट बदल दिया होता तो शायद मेरी हालत इतनी मुतगैर ना होती। यजदानी और संता सिंह तफरी क्लब में प्रेल खेल रहे थे। उन्होंने 2-2 घूंट पी रखी थी। मुझसे पीने के लिए इसरार करने लगे मगर मैंने इनकार कर दिया, इसलिए कि मेरी जेब में दाम ना थे। संता सिंह ने अपनी तरफ से 1-2 घूंट जबरदस्ती मुझे भी पिला दिया, शायद इसलिए कि वो जान गए थे कि इसके पास पैसे नहीं हैं, या शायद इसलिए कि वो रिफते जहनी की वॉल स्ट्रीट से ज्यादा परवाह करते थे। अगर मैं घर में उस दिन शमी को वही काफूरी सफेद सूट पहने हुए देखकर ना आता तो शायद प्रेल में किस्मत आजमाई करने को मेरा जी भी ना चाहता, मैंने कहा। काश मेरी जेब में भी 1-2 रुपये होते, क्या अजब था कि मैं बहुत से रुपये बना लेता। मगर मेरी जेब में तो कुल 4.25 आने थे। यजदानी और संता सिंह नहायत उम्दा वॉल स्ट्रीट के सूट पहने नेक आलम क्लब के सेक्रेटरी से झगड़ रहे थे। नेक आलम कह रहा था वो तफरी क्लब को प्रेल क्लब और बार बनते हुए कभी नहीं देख सकता। इस वक्त मैंने एक मायूस आदमी के महसूस अंदाज में जेब में हाथ डाला और कहा, बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदना कुदरत के नजदीक गुनाह है। इस हिसाब से प्रेल खेलने के लिए तो उसे अपनी गिरा से दाम दे देने चाहिए। अंदरूनी कैसा बाएं निचली जेब कोट में पुश्त की तरफ मुझे कागज सरकता हुआ मालूम हुआ। उसे सरकाते हुए मैंने दाई जेब के सुराख के नजदीक जाकर निकाला। वो 10 रुपये का नोट था जो उस दिन अंदरूनी जेब की तय के सुराख में से गुजरकर कोट के अंदर ही कहीं गुम हो गया था। उस दिन मैंने कुदरत से इंतकाम ले लिया। मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक प्रेल वरेल ना खेला, नोट को मुट्ठी में दबाए घर की तरफ भागा। अगर उस दिन मेरा इंतजार किए बगैर शमी ने वो काफूरी सूट बदल दिया होता तो मैं खुशी से यूं दीवाना कभी ना होता। हाँ, फिर चलने लगा वही तहयल का दौर। गोया एक हसीन से हसीन दुनिया की तहलीक में 10 रुपये से ऊपर एक दमड़ी भी खर्च नहीं होती। जब मैं बहुत सी चीज़ों की फ़हरिस्त बना रहा था, शमी ने मेरे हाथ से कागज़ छीन के पुरजे कर दिया और बोली, इतने के लिए मत बनाइए, फिर नोट को नज़र लग जाएगी। शमी ठीक कहती है, मैंने सोचते हुए कहा, ना तहैयल इतना रंगीन हो और ना महरूमी से इतना दुख पहुँचे। फिर मैंने कहा, एक बात है शमी, मुझे डर है कि नोट फिर कहीं मुझसे गिर ना जाए। तुम्हारी पड़ोसन बाजार जा रखी है, उसके साथ जाकर तुम ये सब चीज़ें खरीद लाओ, काफूरी मीनाकार कांटे, DMC के गोले, मगसी, और देखो पोपी मुन्ना के लिए गुलाब जामुन ज़रूर लाना, ज़रूर। शमी ने पड़ोसन के साथ जाना मंजूर कर लिया और उसी शाम शमी ने कश्मीरे का एक नहायत उम्दा सूट पहना। बच्चों के शोर गोगा से मेरी तबीयत बहुत घबराती है,
मगर उस दिन मैं देर तक बच्चू नन्हे को उसकी माँ की गैर हाजिरी में बहलाता रहा। वो रसोई से ईंधन की कोलकी, गुसलखाने, नीम छत पर सब जगह उसे ढूंढता फिरा। मैंने उसके पुचकारते हुए कहा, वो ट्राइसाइकिल लेने गई है, नहीं जाने दो, ट्राइसाइकिल गंदी चीज़ होती है, आथू गुब्बारा लाएगी बीबी, तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत गुब्बारा। बच्चू ने मेरे सामने थूक दिया और कहा, गंजी, अपनी नन्ही मुन्नी आवाज़ उसकी खूबसूरत से खूबसूरत होती गई। मैंने कहा, कोई देखे तो कैसे बच्चे प्यारे होते हैं। पशुपा मुन्नी को भी मैंने गोद में ले लिया और कहा, पोपी मुन्ना, आज गुलाब जामुन जी भरकर खाना। इसके मुंह में पानी भर आया, वो गोदी से उतर पड़ी और बोली, ऐसा मालूम होता है जैसे एक बड़ा सा गुलाब जामुन खा रही हूं। बच्चू रोता रहा। पुष्पा मुन्नी कथकली मद्रा से ज्यादा हसीन नाच बरामदे में नाचती रही। मुझे मेरे तहैल की परवाज से कौन रोक सकता था, कहीं मेरे तहैल के किले जमीन पर ना आ रहे। इसी डर से तो मैंने शमी को बाजार भेजा था। मैं सोच रहा था कि शमी अब घोड़े अस्पताल के करीब पहुंच चुकी होगी, अब कॉलेज रोड की नुक्कड़पड़ होगी, अब गंदे इंजन के पास, और एक नहाए दीमेंदाज से जंजीर खली। शमी सचमुच आ गई। शमी अंदर आते ही बोली, मैंने 2 रुपये पड़ोसन से उधार भी ले लिए और वो भी खर्च कर डाले। कोई बात नहीं, मैंने कहा। फिर बच्चू, पोपी मुन्ना और मैं तीनों शमी के आगे पीछे घूमने लगे, मगर शमी के हाथ में एक बंडल के सिवा कुछ ना था। उसने मेज पर बंडल खोला, मेरे कोट के लिए बहुत नफीस वो शीट था। पुष्पा मनी ने कहा, बीबी मेरे गुलाब जामुन। शमी ने जोर से एक चप उसके मुंह पर लगा दी।